और सैलरी की खुशी तो हर बंदे को होती है, लेकिन जब सैलरी उस टाइम पे मिले जब बंदे को ज़रूरत हो तो फिर और ही ज़्यादा खुशी होती है। तो सैलरी के पैसों की हवा भी आज बहुत ठंडी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकील खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग कुछ लेट ही शुरू हुआ है क्योंकि आज जुमा था, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पड़ा और जुमा पड़ने के बाद फिर ही निकले हैं अपने काम पर। और ये अपने काम का मज़ा होता है, अपने काम का ये फ़ायदा होता है कि जब मर्ज़ी आप, जब दिल करे आप जा सके जाएँ और जब दिल करे आप अपने काम पे ना जाएँ। ये जॉब जो होती है ये एक जेल होती है। और अपने काम का मज़ा होता है कि जब आप मर्ज़ी जहाँ पे मर्ज़ी जा सकते हैं। तो आज के भी लोगों का भी आगाज़ करते हैं। आज अभी निकले हैं, अभी गैस वगैरह भरवा ली है, अभी आगे आगे चलते हैं और सारा दिन आप मेरे साथ हैं, आगे देखते हैं आज इंशाल्लाह कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ की सैर करते हैं। अभी गैस वगैरह भरा के तो अगर गाजी रोड से कोई सवारी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो पहला जो स्टॉप होता है ये जनरल हॉस्पिटल होता है, यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सवारी मिल जाती है। अगर यहाँ से स्पेशल सवारी ना मिले तो फिर उसके बाद अगला ऑप्शन होता है कि हम लोकल सवारियाँ बैठा के फिर इस टाइम ड्यूटी पे पहुँचते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे 5-7 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कि सवारी मिलती है यहाँ से स्पेशल या नहीं। अगर नहीं मिले तो फिर उसके बाद हमने लोकल सवारियाँ बैठा के फिर ड्यूटी पे पहुँचेंगे। अभी जनरल हॉस्पिटल से लोकल सवारियाँ बैठा के तो यहाँ पे नहर पे पहुँचाऊँ और यहाँ पे अभी इधर से अभी ड्यूटी पे जाते हैं। और अभी कलमा चौक के पास ही पासपोर्ट ऑफिस है बरकत मार्केट में, तो पासपोर्ट बनने के लिए दिया हुआ था काफ़ी दिनों का, तकरीबन महीना हो गया और अर्जेंट पासपोर्ट बनने के लिए दिया, लेकिन अभी अभी तक वो कह रहे हैं कि इन प्रोसेस है, अभी पासपोर्ट नहीं आपका आया। तो पासपोर्ट बनने के लिए दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि 2-4 दिनों में आ जाएंगे। पासपोर्ट ऑफिस से सवारी मिल गई थी, वहाँ से निकला ही तो सवारी मिल गई थी मुझे इछरा बाज़ार की। तो अभी मैं इछरा बाज़ार पहुँचा और ड्यूटी का टाइम बिल्कुल हो गया, आज काफ़ी लेट हो गया तो अभी ड्यूटी पे पहुँच गए। तो अभी मैं इछरा बाज़ार से ड्यूटी की तरफ जा रहा हूँ, ऑफिस की तरफ। आज दोपहर के टाइम ऑफिस भी मैं लेट ही पहुँचा था और फिर जब लेट ऑफिस पहुंचा तो छुट्टी भी लेट हुई क्योंकि काम ज़्यादा था और काम ख़त्म करके निकलना था। और अभी तकरीबन 8 बज गए और ड्यूटी से निकले और अभी मैं पहुंच गया हूं इछरा बाज़ार में। और अभी इछरा बाज़ार खड़े हैं और यहां से फिर देखते हैं किस साइड की सवारी मिलती है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से अच्छी सवारी मिल जाएगी। इछरा से सवारी मिली थी मुझे नियाजी अड्डे वाली साइड की, नियाजी अड्डे वहाँ मैं पहुँचा ही था तो 9:30 का टाइम हो गया और मुझे ऑफिस से दफ्तर से फ़ोन आ गया कि आके सैलरी ले लो। तो फिर ये आप देख सकते हैं पीछे सवारी भी कोई नहीं बैठाई और अब स्पीड ऑफ स्पीड दफ्तर की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ से जाके जल्दी से सैलरी ले लें। भाई हमारा सैलरी का कोई टाइम नहीं होता, जब भी दफ्तर से फ़ोन आए और भाग के सैलरी लेनी पड़ती है पहले, ये नहीं है कि सुबह पर डालना है। और अभी ऑफिस से फ़ोन आया कि आप जल्दी से आके सैलरी ले लो, तो आगे इशारा रुका हुआ है तो इशारा जैसे बोलता है तो स्पीड ऑफ स्पीड दफ्तर पहुँच रही है, पहले सबसे पहले सैलरी पकड़ते हैं। इशारा बंद है, जल्दी जल्दी खुल जा भाई, सैलरी का फ़ोन आ गया है, सैलरी लेने जाना है, दफ्तर पहुँचना है। ओह, वह दूसरी साइड खुल गई जी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं दफ्तर पहुँच गया हूँ और बड़ी दूर से आना पड़ा सैलरी के लिए। और हमारी सैलरी को इसी तरह होती है कि जिस वक्त भी फ़ोन आए ऑफिस से और भागते हुए पहुंचते हैं हम सैलरी लेने के लिए। तो यहाँ पे एसी वगैरह भी लगा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी से बाहर आए हैं, लेकिन जो पैसों की हवा है ना वो कमाल ही मज़े की है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिल गई है और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चट्टा साहब का जो मेरे लिए बैठे हुए थे सैलरी ले कर। जी स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं अली इमरान चट्टा साहब का जो मेरे लिए बैठे हुए थे इतनी लेट तक। चट्टा साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए बैठे थे सैलरी के लिए, और फराज अदीम साहब भी बैठे हैं और चट्टा साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये था आज का व्लॉग और मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने तो जो इन्जॉय किया मेरे साथ वो किया, मैंने आज बहुत इन्जॉय किया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिल गई है। और सैलरी की खुशी तो हर बंदे को होती है, लेकिन
जब सैलरी उस टाइम पे मिले जब बंदे को ज़रूरत हो तो फिर और ही ज़्यादा खुशी होती है। तो सैलरी के पैसों की हवा भी आज बहुत ठंडी लग रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।